इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। निक्की मर्डर केस में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मामले में साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि वीरेंद्र सिंह को ये बात पता थी कि उनके बेटे ने निक्की की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, इस साजिश में साहिल के दोस्त और दो चचेरे भाई भी शामिल थे। निक्की मर्डर केस में इस सनसनीखेज खुलासे ने केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। वहीं एक और सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी साहिल और निक्की ने अक्टूबर 2020 में ही नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में चुपके से शादी कर ली थी, लेकिन साहिल का परिवार इस शादी से नाखुश था, इसीलिए वो निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, साहिल के परिवार वालों ने पहले से शादीशुदा साहिल की शादी भी तय कर दी थी और लड़की वालों से ये बात छिपा कर रखी थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की के शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। वहीं पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी पता चली है कि लाश को फ्रिज में छिपाने साहिल अकेले नहीं गया था, बल्कि इस काम में उसके दोस्त और चचेरे भाई ने उसका साथ दिया था। इस मामले में साहिल के पिता के साथ साथ चचेरे भाई आशीष और नवीन के साथ दोस्त लोकेश और अमर को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस पूरी कहानी से यह पता चलता है कि साहिल का परिवार निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था। साहिल का परिवार चाहता था कि उनका बेटा उनकी पसंद से ही शादी करे और इसी वजह से साजिशन निक्की को रास्ते से हटा दिया गया। वहीं अब ये देखना होगा कि इन सनसनीखेज खुलासों के बाद निक्की मर्डर केस में क्या नया मोड़ आता है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।